Hello to all. Welcome to YouTube Study Channel. This is Sadhana Devi Chauhan. Let's make English easy का part 6 है, जैसे कि आप देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस session में हम लोग कौन-कौन सा topic cover करेंगे. अच्छा, इससे पहले हमने present tense जो है वो complete कर लिया है. Simple past tense का भी first part हो चुका है. जिन्होंने भी नहीं देखा है और जो भी इस channel में नए हैं वो पिछली वीडियोस भी देख लेंगे. ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे. सबसे पहले है सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक. जैसा कि हमेशा होता है, पिछले टॉपिक से एक हम प्रीवियस कुछ सेंटेंसेस देख लेंगे ताकि रिवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स. ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हेन एंड हाउ टू यूज़, कब और कैसे यूज़ करना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को. फिर हम क्रिएट करेंगे सेंटेंस. ओके, तो देखते हैं सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक. ही टॉट इन अ कॉलेज. ही टॉट इन अ कॉलेज, ही का मतलब वह. टॉट मतलब पढ़ाना. पढ़ाने का कौन सा फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया. ही टॉट इन अ कॉलेज, उसका मतलब यह है वह कॉलेज में पढ़ाता था. ठीक है, शी प्लेड इन अ प्ले ग्राउंड. प्ले का कौन सा फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है. ठीक है, शी प्लेड इन अ प्ले ग्राउंड, वह प्ले ग्राउंड में खेलती थी. राम वर्कड इन अ फैक्ट्री, यानी कि राम फैक्ट्री में काम करता था. ठीक है, वर्क, वर्क का कौन सा फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है. वर्क, वर्कड, वर्कड. ओके, नेक्स्ट है वी स्टडीड मैथमेटिक्स. स्टडी का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टडीड होता है. ठीक है, तो वी स्टडीड मैथमेटिक्स. यू टॉक्ड टू योर फ्रेंड्स. यू टॉक टू योर फ्रेंड्स का मतलब तुम अपने दोस्तों से बातें करते थे, है ना. ता था, ती थी, ते थे, ये था सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या करते थे, हम डिड लगाते थे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता था, ना कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे कि आप देख सकते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आया तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा. जैसे कि मैं खेल रहा था, वह सो रहा था. ठीक है, हम घर जा रहे थे, तो मतलब पास्ट में कोई काम अगर चल रहा था ऐसा हमें पता चले तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. ठीक है, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वॉज और वर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है. वॉज किसके किसके साथ लगता है, वर किसके किसके साथ लगता है, ये देखिए. वॉज लगता है ही, शी, इट या फिर एनी नेम. आई के साथ लगेगा. ठीक है, क्या होता है, आई के साथ लगेगा. और यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि वर जो है वो हमेशा प्लूरल चीज़ों के साथ लगता है, बट यहाँ पर देखिए वॉज के साथ आई लगा हुआ है. जो भी प्लूरल चीज़ों के साथ लगता है उसके साथ हम आई लगाते थे, जैसे हैव के साथ आई लगाते थे. ठीक है, या फिर एम होता था आई के लिए. ठीक है, हैव जैसे हम प्लूरल के लिए लगाते थे वहीं पर आई होता था, लेकिन इसमें क्या है, सिंगुलर के लिए है वॉज और उसके साथ है आई. बाकी जो भी है, यू, दे, वी और बाकी जो भी प्लूरल आपको मिलेगा, नाउन या फिर सब्जेक्ट, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे. ओके, तो देखते हैं व्हेन एंड हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है. ये मैंने बताया, अगर कोई भी काम भूतकाल में चल रहा था इस बात का हमें पता चले किसी भी सेंटेंस के एंड में, अगर रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आए, तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. भूतकाल में किसी की किसी आदत को भी दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी भी पुरानी आदत को दर्शाने के लिए. ओके, तो देखते हैं अब सेंटेंस क्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्रिएशन. अब यहाँ देखिए हिंदी में क्या लिखा है, वह पत्र लिख रहा था. ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह पत्र नहीं लिख रहा था. ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. और फिर इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, क्या वह पत्र लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर. ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये टेंस और बस आपको रूल फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन सब कुछ करवाने वाली हूँ, और हम लोग एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये सब कुछ करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.kyahalhai.com पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।